जिसनो नदर करे सो
के गुण गाए कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा सगले प्रत पारे शरण परे ओ नानक हर द्वारे शरण परे ओ नानक हर द्वारे शरण परे मकसद यही है वाहिगुरु शब्द का जाप गुरु ग्रंथ साहब के शब्द की विचार साढ़े अंदर चल पे तो सानू हर एक दे विच रब देखन लग पे सानू सब दे विच परमात्मा महसूस होने लग पे आपां कोशिश करनी तुसी बड़े रंगे हुए हो सारे ऑलरेडी गुरु सुरिंदर वीर जी ने बड़ी मैं कहना बहुत रहमत है वीर जी के उत्ते इतनी छोटी जी उम्र दे विच इतने सारिया नू जोड़ के और इतना नाम जपाना इतनी बाणी पढ़ानी उन्होंने टीचर गुरु साहब ने टीचर दी एक जड़ी है ना उन्हां तो सेवा लई तुहानू हुण इस रस्ते ते तोर दिता अगे टुरना तुसी आप है और इत्थे ही नहीं सिर्फ गुरुद्वारे आके नहीं टुरना घर जाके भी टुरना है गुरबाणी दे हुक्मां दे उत्ते सो आओ सारे आपां आनंद लईए वाहिगुरु 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 कहिंदिआं 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 इन्ना वाहिगुरु नाल प्यार आ जाए कि अंदरों आपे ही निकलना शुरू हो जाए कवाना ना पै वाहिगुरु 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 ते वाहिगुरु शब्द दा जाप किसे किसे वास्ते बहुत औखा है किसे किसे वास्ते बहुत सौखा है जिदे आस पास जिहड़े ने स्पिरिचुअल वाइब्रेशन्स आ जांदे ने ओह वाहिगुरु आपे करन लग पैंदा है जिदे आस पास स्पिरिचुअल लोग आके बह जाते हैं कोई भगती वाले आके बह जाते हैं उन्होंने अंदरों आप ही वाहेगुरु निकल लग पैंदा तुसी सारे भगती वाले हो बोलो वाहेगुरु सारे बोलो वाहेगुरु 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 ते जीवन की भाल सिर्फ ऐसे ऐसे थां ते है ऐसे करके सारे कर्म कर रहे हैं कर्म की गल पिछले दिनों भाई साहब करके गए ने इत्थे कर्म अपने आप च पूरन धर्म नहीं है कर्म सानू धर्म दा रस्ते ते तोरदा है कर्म सानू धर्म दे रस्ते ते ले जांदा है जदों तुसी वाहिगुरु करदे हो ना हौली हौली स्ट्रेंथ आनी शुरू होंदी है
हौली हौली ना पैरासीटामोल अंदर जाती है तो बंदे की ताकत आती है उदा दी पावर है स्पिरिचुअल पावर लिया वाहेगुरु शब्द इसे वास्ते गुरु ग्रंथ साहब दे विच बोता करके बोते सारे शब्दों के यही कहा गया है सात संगत मिल जप केवल सात संगत च जाया कर नाम जपया कर ते कई मनुख इत आके भी फायदा नहीं चक पाते इतने आके भी जे ध्यान कित हो रहा तो करम बन के रह जाएगा धर्म नहीं बन सकेगा एक करम ते हो गया मेरा गुरुद्वारे आके बहना मैं चौंकड़ा मार के बहन की आदत ते हो गई पर उस तो बाद मेरे जीवन चे परिवर्तन आया और परिवर्तन आना भावना के नाल भावना बदल जाती है शब्द पढ़न के नाल शब्द की सुरत दे शब्द ते सुरत दे संजोग दे नाल जदों शब्द की समझ आती है सो आओ सारे आप इसे भाव में जारी करते हुए अरदास करिए धन गुरु तेग बहादुर साहब ने सारा कुछ ही वार दिता है पर सब कुछ वारन तो पहला सब कुछ लैन तो पहला बहुत सारे साल जाके भौरे दे विच तपस्या कीती है ते असी सिद्धे शूरवीर पैदा हो जाने असी कहने आ जिहड़ा लास्ट स्टेज दा बंदा है ना उह उत्थे पहुंच जाइए थोड़ी थोड़ी भक्ति करिया करो थोड़ा थोड़ा जरूर नाम जपिया करो जदों वेल मिलती है ना किसी तरह भी वेल मिल जाए बस स्टॉप ते बैठे हैं ना तां भी वाहेगुरु 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 अंदरों ते चलदा ही रहना है असी किसी की उड़ीक कर रहे हैं तो भी वाहेगुरु कल्पी जान वालों की होना है हाय आया नहीं मैं उसकी वेट करता पा सिर सिर तो मैंने बिठाया हो बजाय थोड़ी देर वाहेगुरु करो वाहेगुरु आप ही उन्होंने जल्दी लाया बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु आओ सारे शब्द नाल जुड़िए कोई जान हर से देवे जोर बोलो कोई जान हर से देवे हर से देवे जोर हर से बखो शुभ रसना चरण कहो चरण कहो बखो शुभ रसना मगन ओ
बहुत कृपा ते सारे शुभ कर्म ने चंगे कर्म ने पर इन्हां कर्मों तो बाद कोई बदलाव आया कि नहीं आया मेरे जीवन दे विच मेरी सोच दे विच मेरी भावनी दे विच भावनी भगत पाए कोडी अगर भाग राखे नमो 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 नेत 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 किन्ने प्यार नाल गुरु साहिब कहिंदे ने जदों इह सारा कार्य करने आ जे करन तो बाद घर जाके फिर ओदां दे ओदां ही रह जांदे आ फिर इस कर्म का हले कोई परिवर्तन साडे च आया नहीं तो बख्शिश नहीं लै सकते इस वास्ते बार 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 रिपीट किया जाता नाम जप लो बाणी पढ़ लो मैं कल इन्नी खुशी हुई ना इन्नी खुशी हुई साढ़े साल का जो सपना होंगे ना अस जिथे जिथे जाने सारे जाने कोशिश करने कि सहज पाठ सारे करन बाणी का और परसों जो माहौल से इतने सहज पाठ दा कल से परसों जी कल से जी इतना आनंदमय माहौल जिथे मेरा मथा इथे टिक रहा सी तुहाडी संगतां नूं भी टिक रहा सी जिन्हां ने इतनी हिम्मत करके सहज पाठ कीता और मैं सचमुच बेनती करना वा अगले साल पूरा हाल भरिया होना चाहिए सहज पाठ अपने अपने घर वीर जी ने कहा जदों जदों मर्जी प्रारंभ कर लो पर समाप्ति जिहड़ी है असीं संपूर्णता जिहड़ी अखंड पाठ साहिब की करनी है वह सारे रल के इथे करिया करांगे धन गुरु तेग बहादुर साहब का जो शहीदी गुरपुरब मना बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु दास कोशिश ही करता जिथे जिथे जाना ना जी कोई ऐदा का लभ जाए जेड़ा कोई जन हर स्यों देवे जोर ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋ
सब परिवार चढ़ाया बेड़े सब परिवार चढ़ाया बेड़े सब परिवार चढ़ाया बेड़े सब परिवार चढ़ाया बेड़े दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल कहो कबीर पज सारंग पानी पज सारंग पानी कहो कबीर पज सारंग पानी पुरवार पार सब के कोदानी पुरवार पार बहादुर साहेब धन गुरुदेव बहादुर साहेब धन गुरुदेव बहादुर साहेब धन गुरुदेव बहादुर साहेब धन धन माता गुजर कौर जी 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 वाहेगुरु 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 वाहिगुरु जदों तुसी सारे श्लोक महला नौवां पढ़दे हो ना वीर जी दे नाल ते सचमुच इत्थे हैवन बनिया हुंदा स्वर्ग बनिया हुंदा
कई दियां खट फकरियां होंदियां है, बिल्कुल रंग दे विच रंगे होए सारे पढ़ रहे होंदे, आनंद लै रहे होंदे। यह आनंद जीवन दे विच आना चाहिए, मनुख का जीवन उहदे विच परिवर्तन आना चाहिए। कदी कदी सानू सैल्फ रियलाइजेशन, स्वै पड़चोल कहने आपां पंजाबी दे विच, स्वै पड़चोल तो भाव है अपना आप विचारना, जरूर विचारिया करो। बड़ी खुशी हुई ना, मैं कभी भी नहीं सहज पाठ किया, मैं इस बारी प्रेरणा वीर जी की मिली तो मैं एक साल दे विच पूरा सहज पाठ गुरु साहब दे अपने पिता गुरु दे प्रतख दर्शन कर ले। जीवन दे विच धर्म बदलाव लियांदा, जिन्ह के जीवन दे विच धर्म बदलाव नहीं ना लियांदा वह धर्म नूं एक कर्म करके कर रहे हैं, उन्होंने जीवन दे विच धर्म एक कर्म बन के रह जाता है। बदलाव बहुत जरूरी है, झरना सारी उम्र झरना ही रहे, सोचो कभी की होएगा, उत्थे ही पहाड़ों ते गिरी जाएगा, उत्थे ही पहाड़ों दे विच गिर के पत्थरों दे विच विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर झरने नूं चाहत हुंदी है मैं एक दिन दरिया बन जावां। वह छोटे 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 कई झरने मिलके एक दरिया का रूप ले लैंदे ने, और वह दरिया इतना वड्डा हो जाता है कि एक दिन वह समुंदर च जाके मिल जाता है। जीवन भी इदा ही है, हौली हौली कोशिश करिया करो। बोलो वाहेगुरु, बोलो वाहेगुरु, बोलो वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 कहंदिया वाहेगुरु के नाल एक विक हो जाना। और वाहेगुरु कहन लग्या ना, कुछ खुशी भी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, मजबूरी नहीं, डरे डरे जे बोल रहे हो ये है ना, इदा नहीं, घबराहट नाल नहीं, वाहेगुरु प्यार नाल कहो, प्यार नाल कहो, बोलो वाहेगुरु, बोलो दिल चो प्यार नाल वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कभी अपने टीचर नाल, बॉस नाल, माता पिता नाल, माता पिता नाल तो अजकल सत्कार नाल गल ही नहीं करते बच्चे, पर जे कदे करते होन बॉस नाल टीचर नाल, उदा कभी अपने इस बॉस नाल भी गल कर लिया करो ना जी, उन्हें किन्ना कुछ दिता है तुहानू, कभी सोचिए लिस्ट बनाइए जिहड़ा जिहड़ा कुछ दिता है, नहीं ना जी, असीं रोज लिस्ट कि बनाने जो जो कुछ नहीं दिता, रोज गिला की करन आने, तू मैनू ए नहीं दिता, तू मैनू ए नहीं दिता, तू मैनू ए नहीं दिते, दी लिस्ट बना पहला नाल नाल, कदी पैरेलल लिस्ट बना लो ना जी, एक पेज ते दो लाइना पा के, ते जिहड़ा उन्हें दिता है ना ते तुहानू भुल जाएगा बाकी सब कुछ। इतनिया उसने बख्शिशां कीतियां, वडियाईयां दित्तियां, बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु। ऐसे इलाके दे विच होर भी हजारां बंदे होणगे जिहड़े अज घर बैठे कुछ होर कर रहे होणगे, तुहाडे ते बख्शिश करके उन्हें संगत ही बख्श दित्ती है। सारे वाहेगुरु बोलो, बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहब कहते ने, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए। बोलो सारे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए। हुण इहदे नाल नाल गुरु साहब ने इसे सुखमनी साहब दे तीजी अष्टपदी होएगी है, मैनूं लगता है जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जो जो कुछ असीं करने आ वो कितने कर्म तक ना रह जाए। इस संसार दे विच बहुते सारे धर्मां ने धर्म नूं कर्म बना के रख दिता है, पर साडे ते बख्शिश आवे कि असी कर्म तो अगे हो के उहनूं प्रैक्टिकल जीवन बनाने आ। गुरु साहब ने कहा सी, मिठ बोलना जी, बोलो सारे, हर सज्जन स्वामी मोरा हौ संभल थकी जी, ओ कदे ना बोले कौड़ा, कदी कदी लड़ पैने ना आपस, मैनू ऐसी धुख याद आ जाती है, मैं फिर जाके कहना सॉरी बई सॉरी, वो तो कदे ना बोले कौड़ा होना चाहिए, मैं फिर अज बोल पिया कौड़ा। गुरबाणी सानू जीवन जाच सिखाती है, जीवन जीन का रस्ता दिखाती है, कितने सिर्फ पढ़ पढ़ गड्डी लदी है उत्थे तक ना रह जाइए, फड़न तो बाद अमल दे विच भी लियाई है, उन्हों अपने जीवन की शैली बना ली है। सो गुरु साहब ने इस शब्द के अपने एक अजे एक शब्द पढ़ के इस तो बाद समाप्ति करनी, तुसी सारे श्लोक मल्ला नौवां पढ़ने वास्ते आए हो, आओ सारे आपां गुरु साहब के चरणों में ही अरदास करिए। सच्चे पातशाह मैं भी बड़े कर्म करता रहा वा, कदे किसी ने समझाया, हेमकुंड साहब नूं मैं टुर पिया, दर्शन घर आया, गुरु ग्रंथ साहब नूं मैं बड़े सत्कार नाल मत्था टेकिया, पर मेरे जीवन के परिवर्तन आया, मैनू दरबार साहब हर दूजे महीने जाने का मौका मिलता है, पर मैं कभी उतों जाके अमृतमई बाणी दे विच्चों कोई अमृतमई गुण भी लैके आना वा कि सिर्फ मत्था टेक के कर्म बना के आ जाना।
करम नूं जद तक तुसी शैली दे विच नहीं लियाओगे, जीवन शैली दे विच नहीं लियाओगे, वह धर्म नहीं बनेगा। इत्थे आना एक करम है, और बड़े भागां वाले आउंदे ने जिन्हां नूं इह करम मिल जांदा, करम दे नाल आदत बन जांदी है, सुभाव बन जांदा, मैं शाम होई 6 बजे दौड़ के गुरुद्वारे जाना है, पर गुरुद्वारे जाके कुछ लैके आना है, कुछ छड्ड के आना है। बोलो वाहिगुरु, बोलो वाहिगुरु, वाहिगुरु। इहदे वास्ते बड़ी जरूरी है अरदास, और सारे अपने अपने वास्ते अरदास करिया करो। सानू एक अरदास ते कही जांदी है, नानक नाम तेरे पाणे, पर एक अरदास अपने वास्ते भी मंग लिया करो। पिता गुरु को मंगिया करो, सच्चे पातशाह गुरमुख जीवन दे दे, साडे परिवार दे उत्ते रहमत करके सानू गुरमुखताई बख्श दे, किते असी इस संसार दे विच डोल ना जाइए, किते रुड़ ना जाइए। आओ सारे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, नाम जपत गत पाहे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। घर चो कलेश नहीं जाता, मेरे जीवन दे विचों दुख नहीं जाता, गुरु साहब कहंदे ने नाम जपिया कर, जरूर परिवर्तन आंदा जे, जरूर फर्क पैंदा जे, बड़ी बख्शिश मिलदी जे नाम जपन वालियां नूं। बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, नानक गुरमुख हर के नाम समसर किछ नाहे, हर के नाम समसर किछ नाहे, जपत गत पाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, जपत गत पाहे। सारे बोलो नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै, महा उदास तपीसर थीवै, अग्न माहे होमत परान, कनिक असव हैवर पूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, निमक निमक कर शरीर कटावे,
ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਧਰਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੁਖਸਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ ਹੈ ਜੋਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ। ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਨਾ ਬਣਾ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਈ ਦਿਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਲੀਡੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।